पापा को दिखा, पापा को दिखा, मम्मी दिखा, मम्मी को दिखा, हर्षिता ये सुबह मतलब इतना मतलब होता है ना हॉस्पोस, तो मैं ज़्यादा फोटो वोटो शूट करने ही नहीं पाई थी क्योंकि उसको रेडी कराना घर का मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, उसका टिफ़िन वगैरह रेडी करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और ऊपर से हर्षिता को ये सब सजाना वजाना, राधा बनाना, वो भी बहुत दिक्कत से बनाई थी। और ये एक रास्ते से स्टैंड लेकर आई थी दुकान से, मतलब ऑनलाइन में मैंने ऑर्डर किया था लेकिन ऑफलाइन मुझे ऑफ मतलब बहुत ही सस्ते में मिले थे, तो एक लेकर आ गई थी। सुबह से कसते कसते बहुत ही बुरा हाल है, गर्मी से आप देख सकते हो जो हाल है, आवाज़ निकल नहीं रहा है। गर्म पानी इतनी गर्मी में हम नहीं खा सकते हैं, सो जितना कोशिश कर रही हो खास खास के मतलब मुँह खलती हूँ ना, बातें करती हूँ तो खांसना शुरू हो जाते हैं। और आप लोग देखते रहिए, देखती हूँ कर पाते हो या नहीं कर पाते। ब्लॉग बनाने में बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, हालत देख सकते हो गर्मी से क्या हाल है। अभी फ़िलहाल हर्षिता को मैं स्कूल से लेकर आई और लाने के टाइम पर ना मैंने रास्ते पर ये स्टैंड मुझे दिखाई दिया था, सो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था लेकिन ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा महंगा रेट बोल रहा था, 600 तक बोल रहा था, तो उसको कैंसिल करने के लिए। और ये 150 रुपये में मुझे मिला स्टैंड, फ्लावर मेरा पहले ही था सो लेकर आई हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है फूल वगैरह हो तो, प्लास्टिक के ज़्यादा नहीं होना चाहिए बट स्टिल थोड़ा सा मतलब ट्रंक में संदूक में था ना तो अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा सजा वजा रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। घर में थोड़ा सा फूल वूल हो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी नॉर्मल जो पेड़ पौधा लगाने के लिए मेरे पास ना अभी टाइम भी नहीं है और इधर करूँगी ना अच्छा भी नहीं लगता है। फिर अभी शायद हमें बहुत जल्दी इधर से ट्रांसफ़र मिल जाएगा, मतलब हम लोगों ने जहाँ ज़मीन ख़रीदा है, हम लोग जहाँ घर बनाने वाले हैं उधर ही शायद मिलने वाला है, गुड न्यूज़ है ये। सो देखते हैं कितनी जल्दी जाना पड़ेगा, सो ज़्यादा तो नहीं। सो ऑनलाइन का वो सब कैंसिल करके ये ऑफलाइन ख़रीदा तो मुझे 600 से 150 में मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हुआ है। सो ज़्यादातर बात करने से खांसी आ जाता है, तो चलो मैं अभी फ्रेश हो जाती हूँ, हर्षिता को भी फ्रेश हो जा मतलब होती हूँ। और अभी जन्माष्टमी वगैरह हम लोगों ने अभी तक मंदिर ठीक ही नहीं किया, तो जन्माष्टमी नहीं हुआ, जस्ट भैंस खाया था जन्माष्टमी के दिन भी। और अब दोनों दिन जन्माष्टमी कौन किस दिन मना रहे कौन नहीं मना रहे, तो आज भी मेरा भैंस ही है। सो हर्षिता को स्कूल भेजे थे ना, तो उसका जो भी ये ऊपर का है सब गायब हो गया, उसका जो माला मैंने पहनाया था वो तो था लेकिन उसके अंदर से पता नहीं कैसे लॉकेट गायब हो गया, ये मुझे बहुत ही अजीब लगा। लॉकेट मतलब चेन पहना हुआ है और उसके लॉकेट से, बच्चों में तो इतनी नहीं सारी मतलब वो नहीं होता है, मैंने उधर नोटिस नहीं किया था, घर आके देखा, देखती हूँ बैग चेक करती हूँ पहले, उसके बाद पता चल जाएगा। तो चलिए देखते रहे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैडम को अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और हम दोनों के शरीर में इतना ज़्यादा खमोरिया उठ चुके हैं ना, और खुजली के मारे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और चलो बहुत कोशिश किया था सुबह से बात करने के नहीं कर पाए, सो अभी कि थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ उसके बाद करती हूँ, नहा धो लेती हूँ, मैंने तो नहा लिया था बट स्टिल फिर से और एक बार नहाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं। और गाइस आप लोगों को मतलब एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, तो कल हस्बैंड आते ही ना उससे थोड़ा सा पैसे लिए थे और बहुत ही कम रेट में मुझे एक मेखला चादर का सेट मिल गया था, ज़्यादा नहीं ख़रीदा, अभी पूजा आने वाला है सो ये नॉर्मली कभी ज़रूरत पड़ जाता है ना पतला वाला, तो उस टाइप का एक ख़रीदा है। कैसा लगा बताएगा ज़रूर, बहुत ही सिंपल ख़रीदा मुझे ज़्यादा मतलब, मेरी हर एक मेखला चादर ना ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड या फूल वगैरह ज़्यादा चकमक वाला है, तो सिंपल वाला भी चाहिए कभी कभी। सो एक आपको कुछ दिन पहले दिखाया था दीदी से ख़रीदा था, तो और एक इधर ख़रीदा था, बहुत ही कम रेट का है, ज़्यादा वो नहीं है, महंगे नहीं है। सो अभी इसको बनाने देना है और आपको कलर कैसा लगा बताएगा ज़रूर। छोटा छोटा सिर्फ पूरा शरीर में फोटा है, वाइट लेने गई थी बट वाइट ज़्यादा हो गया था। और अभी ये है शाम का, इतना हवा चलने लगा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था साथ में जाने में। सो नेचर के हवा किसको अच्छा नहीं लगता, और फैन और गर्मी इतना है ना, और गर्मी से ना मेरी क्या है गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, तो उससे ज़्यादा फ्रिज का पानी पी रही थी। और उस दिन मतलब खांसी हंसी हो रहा था, मतलब तबीयत ठीक नहीं था,
हमने मतलब इसी वजह से मोमो खाए थे, अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। और मोमो खाते ही मतलब उधर एक मटन सूप था जो गरम वाला था, मटन सूप खाए थे ना तो मेरा जीभा जो है ना वो थोड़ा सा जल गया था, गरम बहुत ज़्यादा था। तो गरम खाते ही मुझे वो जीभा जला और अंदर भी गरम गरम महसूस हुआ था। तुरंत ही मैं बगल में गन्ने का जूस का एक था ना तो वो जूस पी लिया था। तो उसी से मेरी ये हाल है कि बात बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत सारा गर्म पानी पीने के बाद अभी से वीडियो एडिट कर रही हूँ। और हर्षिता को देख रहे हो, उसको अपना कपड़ा खुद से ही मतलब फोल्ड करके रख सकता है। अभी करने देना चाहिए बच्चे अगर कुछ करना चाहता है कुछ भी चीज़। और कल भी व्यस्त था, आज पूरा दिन भी व्यस्त था। तो हर्षिता मतलब तंग करता है, वो इतना व्यस्त नहीं खाता है। तो उसके पापा ने एक लोकल चिकन लेकर आ गया था और मैं इसको बना रही हूँ। और वो है ना मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया है पूरी तरीके से। सो अभी इसको बनाती हूँ, बनाते बनाते एक हालत हादसा हो गया ये कुकर का, मतलब क्या बोलूँ, ब्लास्ट होते होते बच गई थी। सो पता नहीं क्या हो गया था, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था कुकर का। और ये देख सकते हो सिल्वर सिल्वर कलर क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसको देखना पड़ेगा, ये सब चेक करना पड़ेगा, बाहर लेके जाऊंगी। और इधर मैंने चिकन में थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया था और दूसरी कुकर पे चावल बिठा दिया है क्योंकि अभी उन लोगों के खाने के टाइम भी हो रहा है, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हो। इसको मैं पानी भिगो के रख देती हूँ, बाद में इसको ठीक कर दूँगी, सुबह कर दूँगी शायद, या फिर खाना वाना खाने के बाद लास्ट में कर दूँगी इसको ठीक। पता नहीं वो सुना है कुकर में क्या हो गया था, पूरा दिन लगे रहना पड़ता है ना कुकर में। सो मैंने चेक करके उसके से ना हवा निकल रहा था तो मैंने दोबारा मतलब अच्छे से चेक करके लगा के हॉल में गई थी। हर्षित ने इधर फोटो लगा दिया। सो और आते आते देखी ना कुछ मतलब स्मेल आ रहा था, मुझे लगा कि चावल ना जल गया, सॉरी चिकन ना जल गया होगा। फिर आके देखा चावल जल गया है। तो देखते हैं अभी दूसरे कुकर में लगा दी हूँ, इसका कुछ करना पड़ेगा शायद इसका। और वो जो थोड़ा सा अजीब अजीब सा वो लिक्विड गिरा है ना तो वो डरा बना है लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा हुआ पता चल गया, शायद इसका सेफ्टी वाला जो वो है उसको चेंज करना पड़ेगा, देखते हैं। फिलहाल इसको दिखाना पड़ेगा वरना ऐसे यूज़ नहीं करूँगी, इसको धोधा के कल लेके जाऊँगी, देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल दूसरे कुकर में देती हूँ। और दो दो कुकर ना एक दिन में वॉश करना, मतलब कुकर ऐसे ही कुकर लोग कम ही यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उसको वॉश करने में जितना भी झंझट और एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो मैं भी एक करना तो पड़ता है डेली, मुझे दाल बनाना पड़ता है, चावल बनाना पड़ता है। सो एक ही से ट्राई करती हूँ, बट उसका तो शायद देखती हूँ, उसको कल लेके जाना पड़ेगा। और आप लोग देखती हूँ कितना लंबा बना पाती हूँ नहीं बना पाती हूँ। फिलहाल खाना बन रहा है, कारण चले गए हैं, देखते हैं गर्मी से हाल बेहाल है। तो चिकन हो गया है, अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे। कैसा लगा, कलर कैसा है बताएगा जरूर कमेंट्स पे, देखते हैं हर्षिता को पसंद आता है या नहीं आता है। सो कैसा लगा कलर, और खाने पे आना चाहते हो तो ज़रूर डिनर पे आ जाइए। फिलहाल हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ्रिज में रख देंगे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।